बाहर के मसालेदार खाने का लग गया है चस्का सबको, बढ़ रही है तोंद और हो रहे हैं सब सुस्त। देखकर अब चिंतित है वंदना, आइए देखते हैं कैसे रोकेगी वो इन सब के चोचलों को। अथर्वा आ जाओ। ये स्वर्ग है। एक मिनट रखो, ये स्वर्ग है। हाँ स्वर्ग है, रुको, स्वर्गवास है ये देखो तेल, देखो इसमें इतना तेल, तो अगर रेगिस्तान में ड्रिलिंग होना तो उसमें ना निकले। और तुम लोग अभी डाइनिंग हॉल से वो फ्राइड इडली और स्पाइसी उपमा खाकर आए हो ना। एक घंटा हो गया मंदू से। कम ऑन यार, हॉलीडे पे इतनी चीटिंग तो चलती है? नहीं चलती है राज। हेलो, ये तूने ऑर्डर किया ये? हाँ सुबह से ना 3 बार टॉयलेट जा चुका है। वही तो, मेरी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होटल फूड से। राइट। और अब बाहर का खाना भी नहीं मंगवाने देते, तो मैं सिर्फ अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर रहा हूँ। तेरी इम्यूनिटी डेवलप करने के चक्कर में तेरे डैड की तोंद जरूर डेवलप हो जाएगी। अच्छा प्लीज ये सब छोड़ो, मैंने ना ये होटल स्टाफ से परमिशन ले लिया कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोलूंगी हमारे, तो अगर तुम लोगों के कुछ कपड़े हैं तो निकाल दो। मम्मी ओ चे वागले, लॉन्ड्री के चार्जेस देखे तूने रिजॉर्ट के? अच्छा उन चार्जेस की वजह से अब मुझे इतना यम्मी नाश्ता नहीं करने दे रहे हो। यम्मी? हाँ रात को पेट पकड़ के मम्मी मम्मी चला रहा था, वो भूल गया तू? दवाई खिला दो ना, ठीक हो जाएगा। अथर्वा नो मोर ऑयली फूड ओके? पर नहीं 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 बिल्कुल नहीं मिलेगा तुम्हें। राज अरे किसने ऑर्डर किया पकौड़े? मम्मा मम्मा पकौड़े ना डैडी ने मंगवाए है, ये दोनों की मिली भगत है। चल अथर्वा ये टेस्ट करते। हाँ डैडी ये भी मंगवाते है ना, ऐसे करके दोनों जंक फूड पे टूट पड़े हैं। लगाओ खींच के। वाओ सर पकौड़े। स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट निकल जाओ पानी के साथ, नजर मत लगाओ मेरे खाने को, पिछली बार पेट में दर्द हुआ था मुझे। अच्छा काम की बात करो, ऑर्डर आया? यस सर, मटर पनीर और कुलचा रोटी मंगवाए थे, लेकिन फिर मैंने वो ऐप वाला डिलीवरी बॉय था ना उसे ही खाने के लिए दे दिए। तुमने क्या खाया? उसका टिफिन, वो टिफिन लेके आया था, जैसे ही टिफिन पे नजर पड़ी मैंने उसको ऑफर दे डाली। ओ दासानी, तुमने होटल में क्या पार्सल ऑर्डर किया वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वो जो दवाइयों के लिए हमने स्पेशल बॉक्सेस मंगवाए थे वो पूछ रहा हूँ, वो ऑर्डर आया? अच्छा वो तो आज सुबह ही आ गए थे और उन्हीं बॉक्सेस में दवाइयों का पहला कंसाइनमेंट भी भिजवा दिया। वाओ थैंक यू सर। तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, पकौड़ों की तारीफ कर रहा हूँ। वैसे तुमने जो काम किया वो काबिले तारीफ है, बट दिस वाज ऑल पकौड़ा। सर पकौड़ा बहुत टेस्टी है। वो टेस्टी? यहाँ के सारे फूड आइटम्स कमाल के टेस्टी है, जब से यहाँ आया हूँ ना तब से सिर्फ खाया जा रहा हूँ। तो मुंबई से बाहर निकलने का मौका मिलता नहीं है, तो दिल वाले दुल्हनिया में अमरीश पुरी साहब ऐसे एंड में वो सिमरन का हाथ छोड़ते हुए गए थे ना, या सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, उसी तरह मैंने यहाँ आते ही अपना हाथ छोड़ते हुए कहा जा राजेश जी ले अपनी जिंदगी। मेरा अमरीश पुरी क्यों फोन कर रहा? ऐसा नहीं बाय, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आज से नो ऑयली फूड नो स्पाइसी फूड इन द हाउस, लेट्स वोट। चलो हेलो ब्रूटस यू टू। डैडी मैंने ये कहने के लिए याद उठाया है कि दिस इज नॉट अ हाउस, दिस इज अ रिसॉर्ट। दैट्स इट एग्जैक्टली। कमाल करती हो तुम वंदना, 4 दिन के लिए आए हैं, करने दो ना मजे बच्चों को। बच्चों को? मुझे भी, मतलब एडमिट करता हूँ मैं भी मजे कर रहा हूँ, लेकिन चलो ना उसपे क्या होता है वद्दू। राज ऐसा खाना तुम लोगों के लिए हेल्दी नहीं है, कल तुम्हारा भी पेट दर्द कर रहा था ना। हाँ और उन महाराज का तो पेट मतलब खराब ही है। आई अंडरस्टैंड कि कभी कभार हेल्थ के लिए नहीं टेस्ट के लिए खाना चाहिए, लेकिन तुम दोनों तो टूट पड़े हो बिल्कुल। अरे तो कमाल तुम और यार क्यों कर रही हो, अब यहाँ पर जो मिलता वही खाएंगे ना। क्यों हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है? मैंने और सखी ने हाथ तक लगाया उस ऑयली स्पाइसी खाने को। एग्जैक्टली मैंने और मम्मा ने तो गोभी के पराठे मंगवाए है, वो भी लेस ऑयल और व्हाइट बटर साइड में। सर आपका ऑर्डर। हेल्दी है?
एक मिनट, ये क्या है? मैंने कम तेल बोला था ना, और बोला था साफ साफ कि व्हाइट बटर साइड में। व्हाइट बटर ही है, पिघल के वो पराठे में मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टेस्टी तो लग रहा है तरा? नहीं लगाओगे हाथ? देख रहे हो कितना तेल है? एक्सक्यूज मी, ये तुमने मंगवाया है? हेल्दी पराठा हमने नहीं मंगवाया। एंड वी शुड नॉट वेस्ट फूड। ऑफ कोर्स। नहीं लगाएगा हाथ तू। एंड आई एम मेकिंग एन अनाउंसमेंट, आज से, इनफैक्ट अभी से हमारे रूम में ऑयली और स्पाइसी खाने का लॉकडाउन। लॉकडाउन? और जिसने भी ये लॉकडाउन तोड़ा ना, फिर वो है और मैं। बंधु? कोई बंधु बंधु नहीं, और ये शेफ का है, मैं उसकी खबर लेती हूँ। साकी, देखना कोई उस पराठे को हाथ नहीं लगाए। हाँ मम्मी। ये क्या कर रहे हैं आप? इतना देर कोई आप? I know that you are shocked to know, right? आप खाना भी बनाते हैं? हाँ, मतलब मैम, I'm sorry, but दरअसल बात यह है कि हमारा जो पुराना शेफ था वो गांव चला गया था और लॉकडाउन की वजह से वापस नहीं आ पाए। तो आप खुद ही शेफ बने? I know, मैम, अब हम क्या कर सकते हैं? गेस्ट्स है, खाना तो खिलाना पड़ेगा ना उनको। और मैम, मैंने पिछले लॉकडाउन में हमारे पुराने शेफ से खाना बनाना सीख लिया था। यू जस्ट डोंट वरी मैम, आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। और मेरे सारे जो गेस्ट है ना, वो मेरे खाने से खुश। अरे गेस्ट छोड़िए, आपके पति तो फैन है मेरे खाने के। होंगे ही ना, हा? उनको इतना ऑयली स्पाइसी मसालेदार खाना जो मिल रहा है खाने के लिए। देखिए मारफतिया जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खाना बुरा बनाते हैं, आप ना बस वो तेल मसाला ये सब बहुत ज्यादा डालते हैं। I know, ma'am, I know. Ma'am, क्या कर सकते हैं, गेस्ट इसी तरह का खाना प्रिफर करते हैं। You know, they just like to have rich food, ma'am. I understand. और मैं समझती हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप भी समझिए ना कि इस लॉकडाउन के माहौल में हमें ये नहीं पता है कि हम यहाँ कितने दिन और रहें। तो रोज रोज ऐसे तेल वाला मसालेदार खाना तो नहीं खाया जा सकता। I know, ma'am, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बट आप हमारी भी मजबूरी समझिए। अब जो भी गेस्ट आता है बस यही कहता है, भाई घर का खाना तो रोज खाते हैं, आज कुछ स्पाइसी कुछ मसालेदार खिलाओ, बताइए। I understand, but आप एक काम करिएगा जी, आज से, इनफैक्ट अभी से, अगर मेरे रूम से ऑयली स्पाइसी खाने के लिए ऑर्डर आए ना, तो आप साफ साफ मना कर दीजिएगा, ये मेरा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। I know, ma'am. ये किसका ऑर्डर है? ये आई नो, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयली है ना। किसका ऑर्डर है? आपके साथ आए हैं ना हर्षद अग्रवाल, उनका। हर्षद भाई? सर, आपका ऑर्डर वहां पे रख दो। हेलो हेलो, टाइगर टू कोबरा, कोबरा टू टाइगर, कोबरा टू टाइगर, कमिंग, मिसाइल लैंड हो चुकी है। टाइगर टू कोबरा, दुश्मन आसपास तो नहीं है? नहीं, कोबरा टू टाइगर, कोबरा टू टाइगर, फील्ड इज क्लियर, आसपास कोई नहीं, आ जाओ। रोजो द टाइगर इज ऑन द मूव। यस, अरे आक्रमण! सुपर सुपर अच्छा, वंदना है ना, कभी कभी है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर, फालतू बातों को लेकर ना ओवर रिएक्ट कर दिया। मत खाओ वो मोटा, लेकिन कल उस गेस्ट को ये खाते हुए देखा ना, तब से मन में ऐसे लालच पैदा हो गया था कि ये टेस्ट करना है, और आपने वही मंगाया। यार क्या बात है, यार क्या बात है राजेश भाई, देखो आपको कभी भी है ना ऐसा सब खाने का मन करना तो मुझे बोल दिया करो, मैं ना अपने रूम में मंगा लूंगा, दोनों भाई मिलकर मजे करेंगे। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, एज यू विश। आक्रमण! हेलो कमांडर वी। Yes, Sergeant S. This is Sergeant S. आपका शक सही निकला, मिसाइल्स अपने ही देश में लैंड हुए हैं। Should I attack? No, Sergeant S.
दुश्मन बाहर का हो तो अटैक कर सकते हैं। घर में छुपे दुश्मन को अटैक से नहीं, स्ट्रैटेजी से जीता जाता है। ओ, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? ओवर एंड आउट। पता नहीं अब क्या करेगी घर की कमांडर इन चीफ। वरना अभी का जो ये ऑयली और स्पाइसी फूड को लेकर जो ये लॉकडाउन है, तो उसमें हम लोग डिनर में क्या करेंगे? कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चले। ये क्या है सर? वागले। सर ये रिश्वत क्यों दे रहे हो? स्विमिंग पूल में पानी डालने के टैंकर का ठेका आज से मुझे ही मिलना चाहिए। क्या मजाक कर रहे हो सर? तो शुरुआत किसने की? अरे मैं यहाँ पर कोई अब टेंडर पास करवाने नहीं आया हूँ, ये बख्शीश है पगले। बख्शीश किस बात की सर? कितना काम करते हो यार, जब देखो तुम यहाँ से वहां भागते रहते हो, हमारा कितना काम करते हो। सच कह रहा हूँ यार, अगर तुम नहीं होते ना इस रिजोर्ट का चलना मुश्किल होता। सच कह रहा हूँ। वैसे नाम क्या है? सर चिकू। चिकू। सर वैसे काम क्या है आपको बताओ? हाँ क्या है चिकू? क्या है? मेरी बीवी जो है ना वंदना मैम, उन्हें वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की व्यवस्था मैंने ही करके दी है। क्या बात है चिकू, मैं कह रहा था ना तुम हो इसीलिए रिजॉर्ट चल रहा है। अच्छा है ना, तुम्हें तो ये भी पता होगा कि वंदना ने हमारे रूम में किसी भी तरह के स्पाइसी और ऑयली खाने के आने पर लॉकडाउन लगाया होगा। एक मिनट सर। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात पूरी सुन लो ना। तो मैं चाहता हूँ कि आज के डिनर में ना मैं जो कहूँ वो चीज तुम। एक मिनट सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वंदना मैम ने तो मुझे पहले मना किया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कॉल करके बोला कि मेरे रूम में जिसको जो चाहिए वो सर्व किया जाए। हाँ सर, और वंदना मैम ने आपके तेल और मसालेदार खाने पर से लॉकडाउन हटा दिया है। लॉकडाउन हटा दिया है? हाँ, क्योंकि तुम सही कह रहे थे। मैं ओवर रिएक्ट कर रही थी। अब तुम कोई बच्चे थोड़ी ना हो रहा है, हाँ? और फिर हमारे बच्चों का जितना ख्याल मुझे है उतना तुम्हें भी तो है। हाँ, of course, of course. और मैं मानता हूँ कि अथर्व मेरी वजह से थोड़ा ज्यादा जंक फूड खाने लगा है, बट डोंट वरी, मैं कंट्रोल करूंगा उसे। नहीं नहीं, I think we should all now just freak out, have some fun, enjoy करते हैं, है ना? छुट्टी पे हम लोग, right Atharva? Mummy, have I ever told you how much I love you? And Dad, उस दिन आप कह रहे थे कि मम्मी डिक्टेटर है। हाँ तो हाँ। उनको खुद ऑयली और स्पाइसी पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारे खाने पर भी रोक लगा दिया है। ओए, क्या क्या बोल रहे हैं तू? खामखा आग मत लगा। अरे it's okay Raj, मैं समझ सकती हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे थे। मैं कर ही रही थी ऐसी हरकतें, इतना रिएक्ट कर रही थी। पर अब से जिसको जो खाना खाए, जिसको जो पीना है पिए। नहीं नहीं नहीं, पीना पीना का बस खाने को लेकर मैं थोड़ा रदर हम थोड़ा एक्साइटेड थे, और मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। तुम तो जानती हो ना कि शादी के तुरंत बाद वो अल्सर हुआ था। अब से लेकर आज तक ऑयली और स्पाइसी खाने से मैं दूर भाग रहा था, बस उस डर को दूर भगाना चाहता हूँ। नथिंग एल्स। डैड आपको अल्सर हुआ था? हाँ हाँ, लेकिन ये बात तुम दोनों के पैदा होने से पहले की। But now I am fit and fine. Yes, and I accept my mistake. So अब से no lockdown, okay? Only जनता कर्फ्यू, trust me. अच्छा हाँ सुनो, मैं वॉक के लिए जा रही हूँ। शाम का नाश्ता ना वो पूल साइड पे लगने वाला है, तो तुम लोग चले जाना, मेरा खाने का मन नहीं है, तो मैं बाद में आ जाऊंगी। ओके ओके ओके, बाय बाय। अथर्वा, किचन में फोन करके पूछ ले कि क्या बन रहा है। आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। लेकिन नो ओवर ईटिंग। आई नो सर, देखिए आधे घंटे के अंदर पूल साइड पर खाना पहुंच जाएगा। यस सर। मैम डू यू नो, अगर ये बात बाहर किसी को भी पता चल गई मेरी नौकरी जा सकती है। आई नो मार्फतिया जी, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। हाँ मुझ पे भरोसा रखिए, ये बात आपके और मेरे बीच ही रहेगी। ओके, पर मैम अगर फिर भी कोई गड़बड़ हो गई तो? अगर गड़बड़ हो गई तो मैं संभाल लूंगी ना। हाँ, पर आपको मेरा साथ देना होगा। सी वी आर ऑन अ सीक्रेट मिशन। आई नो, पर इस सीक्रेट मिशन का नाम क्या होगा? सबक एक को समझ सबको। यस या ओ हो
बाउल टिक्की। What? आलू टिक्की? ये आलू टिक्की है आलू टिक्की हर्षद। तक्षिश भाई, इन्होंने यही कहा। डैडी, टिक्की से उसल और मसालेदार पाव कहाँ हैं? वही मैं सोच रहा हूँ। वाव, पास्ता। सके कहीं तुमने फोन करके मेनू तो नहीं चेंज किया ना? क्योंकि मैंने शेफ से साफ साफ कहा था कि मुझे वो उसल और मसाला पाव चाहिए। ओह डैडी, मैं क्यों मेनू चेंज करूंगी? और वैसे भी मम्मा ने आपका ऑयल स्पाइस लॉकडाउन तो हटा लिया है। वाओ, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। डैडी, हमारे उसल पाव, मुझे जोर से भूख लग रही है। अथर्व, तू ये ट्राई करके तो देख। ले। यस सर। हेलो मार्फतिया जी, मेरी बात हुई थी कि शाम के नाश्ते में यहाँ तीखी उसल और मसाला पाव होंगे। I know सर। No, I don't think you know। क्योंकि अगर आपको नो होता ना तो यहाँ टेबल पर मसाला पाव और तीखी उसल होती। ये पास्ता और आलू टिक्की कहाँ से आए? अच्छा, पास्ता और टिक्की, वो तो सर हमारे नए शेफ के मेनू से सर। लेकिन हमारी साफ साफ बात हुई थी ना। I know सर, बट हमारे नई शेफ ने कहा कि एक बार हमारे गेस्ट से कहिए कि हमारी आलू टिक्की और पास्ता सलाद ट्राई करे। सर देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं खुद अपने हाथों से उसल पाव बनाकर भेजता हूँ ना, मैं खुद किचन में ही हूँ सर। ओके मैम, देखिए अगर आप लोग कहीं फंस गए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसल पाव बना के तो रखता हूँ एटलीस्ट। अरे मार्फतिया जी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सबका रिव्यू आने तो दीजिए ना। वाओ डैडी, दिस इज सुपर्ब। अच्छा, ये आलू टिक्की तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इन्होंने कहा ये आलू टिक्की तो शेयर बाजार का सर्किट ब्रेकर है। लेकिन उससे पहले क्या कहा वो मुझे समझ नहीं आया। कोबरा टू टाइगर है ना अर्षद अंकल? डैडी, आई एम नॉट वेटिंग फॉर सेव उसल, दिस इज यम्मी। अच्छा, वाह, नो ऑयल नो मसाला, ये होता है नाश्ता। वाओ, तो नाश्ते की तरह खाना झालर, डिनर के लिए भी तो कुछ बाकी रख। रख दे रख दे, बुखार से तप रहे इस बीमार शरीर के गधे पर पानी के पोछे तू रख दे। ये गधा नहीं, ये इंसान है। हाँ, अच्छा आपने क्लियर कर दिया भाभी। चले जोशीपुरे, अब इंसान की तरह खाना शुरू करा। चल। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी हर्षद, यामिनी अपने नाटक गधा घाट वाले घर का नाटक का डायलॉग बोल रही है। ओके यम, कंटिन्यू। ये गधा नहीं, ये इंसान है, मेरे लिए मेरी संतान है। बुखार इसको आया था कल, क्योंकि कल मैं बैठी थी उस पर, पसीने से लथपथ लथपथ, सामने से आने वाले तूफानी पवन ने कर दिया इसका काम तमाम। उसे हो गया जुकाम, उसे हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह यम, क्या लिखा है? इसके आगे गधा भी तो कुछ बोलता है ना? बोल तो रहा है। Excuse me? अरे राजेश भाई, आलू टिक्की खत्म हो गई। अच्छा, एक काम करते हैं, 10-15 आलू टिक्की का प्लेट मंगा लेते, और वो आपकी सेव उसल भी मंगा लो, पूछ लो क्या हुआ उसका। हाँ हाँ हाँ। डैडी, मैं भी आलू टिक्की खाऊंगा, अब अपने लिए सेव उसल मंगवा लो। दोबारा उनका ही फोन है, उनका ही फोन है, अब क्या करूं? इतना डरिए मत, आप उठाइए ना फोन, स्पीकर पे डालो। जी। यस सर। मार्फतिया जी, आपके यहाँ नया शेफ कौन है? सर, शी मतलब लेडी शेफ है। अच्छा, क्या नाम है? डॉक्टर डॉक, आई मीन नो सर, यू डोंट नो, बट सर वो तो वहां किचन में है सर। आप भी किचन में हो ना? मतलब लास्ट कॉल पर आपने यही बताया था। दीजिए ना जरा फोन दीजिए। हेलो मार्फतिया जी,
देखिए आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, अगर वो बिजी है तो मैं किचन में आता हूँ। नहीं, नहीं 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 सर, मैं अभी बात करवाता हूँ उनसे, अभी बात। हेलो सर, माय सेल्फ मिस्टर पिल्ले, हिंदी ले। हेलो 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 मिस पिल्ले, कहाँ से हैं? फ्रॉम चेन्नई सर। क्या बात है, हाँ हाँ राइट राइट, पिल्ले सर ने भी आपका साउथ इंडियन है तो। लेकिन आप साउथ इंडियन होने के बावजूद आपने ये नॉर्थ इंडियन आलू टिक्की बनाई है ना, वो कमाल की है, ये टेस्ट बड़ा जाना पहचाना लगा। यू नो मैं बहुत सोचने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ खाई थी। आप चेन्नई गया कभी सर? हाँ हाँ, मतलब ऑफिस के काम से मैं आते रहता हूँ, मतलब दो तीन महीने में एक बार। तो आप वहाँ का फेमस वो रेड्डी पंजाबी फूड जॉइंट चाट कॉर्नर, हाँ वहाँ गया कभी? राइट, मेन स्ट्रीट पर रेड्डी पंजाबी ठेला, क्या बात है मिस पिल्ले। मैं जब भी मैं चेन्नई जाता हूँ और इडली डोसा खाकर जब मन भर जाता ना, तब मैं रेड्डी पंजाबी ठेले पर जाकर ये आलू टिक्की खाता ही हूँ। मैं वही सोच रहा हूँ कहाँ खाई थी। वैसे आपका क्या कनेक्शन है इससे? रेड्डी अंकल माय अंकल सर, मैं उनके ही हाथों के नीचे ट्रेन हुआ। सेम टेस्ट, दैट इज व्हाई द सेम टेस्ट सर। क्या बात है, क्या बात है मिस पिल्ले, मान गया आपको, सुपर टेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। यू नो इनफैक्ट मैंने अभी शाम के नाश्ते में ना मसाला पाव और सेव उसल ऑर्डर की थी, लेकिन आपके इस आलू टिक्की ने मौसम बदल दिया। तो यहाँ पे मतलब साफ होगी ये आलू टिक्की, जरा प्लीज 10-12 और भेजेंगे। श्योर सर, श्योर, अभी भिजवाता मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। राजेश के खाने को लेकर वंदना ने बना तो लिया एक प्लान, अब से उसके जंक फूड पे भी लगा दिया बैन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।